हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण। तो अभी मैं आ चुका हूँ हिमाचल प्रदेश में। मैं पराशर लेक जा रहा हूँ। पराशर लेक जाने के लिए आप बाय रोड भी जा सकते हैं, मगर मैं ट्रैकिंग रूट से जा रहा हूँ। पराशर लेक जाने के लिए बहुत सारे ट्रैकिंग रूट्स हैं, बट मैं पंडोह से जा रहा हूँ। मेरा ये सफर कैसा रहा, ये जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहे आप मेरे साथ, धन्यवाद। ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं, इसको क्रॉस करते ही हमारा जो ट्रैक है वो शुरू हो जाएगा। खच्चर जो हैं, ये पहाड़ों की लाइफ हैं, जिंदगी हैं ये पहाड़ों की। ये घोड़े और गधे का मिक्सचर होते हैं और इनमें घोड़ों जैसा स्टैमिना और गधों जैसी ताकत होती है। बढ़ चले हैं हम लोग गांव से होते हुए जंगल की तरफ, और सबसे पहले हम लोग जाएंगे शिवा बाजार। मुझे कुछ नजर आया, ये जंगली स्ट्रॉबेरी है। इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इसको हम लोग खा सकते हैं। पहाड़ों में ना ट्रैवल करना आसान नहीं है। ये देखिए, अभी एक रास्ता जा रहा है नीचे को, मैं दिखाता हूँ आपको। आगे जाने वाला रास्ता नीचे को जा रहा है, और एक रास्ता जो प्रॉपर नहीं है ये ऊपर को जा रहा है, और मुझे ये जो रास्ता प्रॉपर नहीं है मुझे इसी को फॉलो करना पड़ेगा ट्रैकिंग के रूल्स के हिसाब से, वाइल्ड ट्रैकिंग के। क्योंकि ये जो मैं जहाँ जा रहा हूँ यहाँ पहुँचने के लिए यही रास्ता सही है, नहीं तो मैं पहाड़ी के एक तरफ से चढ़ाऊँ तो दूसरी तरफ से उतर जाऊँगा। इसीलिए पहाड़ों में ट्रैकिंग करना ईजी नहीं होता। मुझे बहुत संभल संभल के अपने कदम रखने पड़ रहे हैं। अब ठीक है, शिवा बाजार पहुंचना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि शिवा बाजार पहुंचने के लिए रास्ते में कुछ घर आपको मिल जाते हैं, और रास्ता पूछ के आप इजीली शिवा बाजार तक तो पहुंच सकते हैं। यहां तक तो ट्रैकिंग बहुत आसान थी। वैसे तो शिवा बाजार से भी आप लोग बाय रोड जा सकते हैं पराशर लेक की तरफ, मगर मैं जाऊंगा पहाड़ी रास्ते से ट्रैकिंग करते हुए सुमा गांव होते हुए। तो चलिए अपने सफर को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए, मुझे एक और घर नजर आ रहा है मेरे पास में। जैसे जैसे आपको आपके रास्ते में घर नजर आते हैं ना, तो आपके लिए जो ट्रैकिंग है वो उतनी सेफ होती जाती है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई मिल जाता है जो आपको बता देता है कि आप सही रास्ते पर हो या नहीं। नहीं तो पहाड़ों में आप कई बार ऐसे गुम हो सकते हो कि आप कितने कितने दिन गुम रह सकते हो। अगर आपको गांव के बीच बीच में होकर ट्रैकिंग मिलती रहे तो ये बेस्ट है, इजी है और सेफ है, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा भी कम रहता है। ये सुमा गांव की बावड़ी है, और ये आखिरी बावड़ी है। यहाँ से मैं पानी भर सकता हूँ, इसके आगे 3-5 किलोमीटर तक आपको पानी नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं पानी भर लूंगा, पानी की बोतल, और आगे का जो सफर है वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आगे भालू और तेंदुओं का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। चलते चलते मुझे ये पौधा मिला है, इसका मैं एक पत्ता अपने पास रख लूंगा। चकमा के ऊपर ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। देखिए हम लोग कितनी ऊपर आ गए, और सामने वाला जो पहाड़ है वो कितने छोटे लग रहे हैं सामने वाले पहाड़। और जो ये पहाड़ों पे आपको सीढ़ियां नजर आ रही है ना, सीढ़ियां नहीं ये खेत हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अभी मैं किसी गांव में नहीं हूं, अभी मैं जंगल में हूं, और मुझे भेड़ियों की आवाजें बहुत जोर जोर सी आ रही हैं, और मुझे लगता है बेहतरी इसी में है कि मैं यहां से जल्दी निकल जाऊं। मुझे लगता है मेरा इस इलाके से जल्दी निकलने का इरादा बिल्कुल सही है। ये गाय की हड्डियां, और लगता है कि इस गाय का शिकार किसी तेंदुए ने या किसी भालू ने या फिर किसी भेड़ियों के झुंड ने किया, और मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस इलाके से निकल जाना चाहिए। पत्थर खिसकने की वजह से ऐसी गुफाएं अक्सर बन जाती हैं, और इन गुफाओं में 200 किलो का भालू भी बड़े आराम से रह सकता है। और अब मैं सच में इस इलाके से जल्दी निकलना चाहता हूँ। यहाँ आना चाहते थे, यहाँ पहुँच गए, मगर यहाँ का रास्ता ढूंढते ढूंढते मेरी तो बस वाट ही लग गई।
माँ गांव तक तो रास्ता काफी आसान था, मगर उसके आगे जंगल था और जंगल में जो रास्ता था वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। इसलिए मैं इस ट्रैक को किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप इस ट्रैक पे आना चाहते हैं तो किसी गाइड के साथ आए, बिना गाइड के आप इस ट्रैक पे ना आए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप बिना गाइड के आते हैं तो आप भटक सकते हैं। नदी के साथ साथ मैं जा रहा हूँ, बस पत्थरों के ऊपर पैर रखता हुआ। अब चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस ट्रैक को ख़त्म कर दूँ। ये मुझे भी नहीं मालूम मैं कितने किलोमीटर अभी तक चल चुका हूँ एग्जैक्ट। तो ये बताया गया था कि इन पत्थरों के साथ ऊपर की तरफ चलते चलते तुम पराशर पहुंच सकते हो, तो मैंने ऐसा ही किया। इन पत्थरों के ऊपर चलता चलता मैं नदी की तरफ आगे की तरफ बढ़ता गया, और आगे जाते हुए एंड में एक वाटरफॉल आया, जिसके बाद के कोई रास्ता नहीं था ऊपर जाने का, और दुर्भाग्यपूर्ण मुझे वापस आना पड़ा। और मैंने वापस आते हुए एक तबेला देखा था जो कि बिल्कुल खाली था और बिल्कुल सुनसान था। फिर मैंने सोचा कि मैं वहीं पर रात गुजारूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। सुबह के बजे 5:30, मैं रास्ता भटक गया था, और फिर मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। तो मुझे ना एक तबेला नज़र आया था, ये तबेला बिल्कुल बंद है। मैं कल रात यहीं पे आके रुक गया था। अंधेरा होने के बाद मैं पहाड़ों में ट्रैवल करना अवॉइड करता हूँ, और जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ स्टे कर लेता हूँ। और नदी आपको दिखाता हूँ, ये वही नदी है जिस पे कि कल मैं चल रहा था। मैं बिल्कुल इसके एंड पे पहुँच गया था, मगर मुझे वहाँ पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक झरना था, तो मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पर इस तरफ मुझे एक और भी रास्ता नज़र आया था, काफ़ी लेट हो गया था तो इसीलिए मैंने वो रास्ता ट्राई नहीं किया, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं उस रास्ते को ट्राई करूँ। नदी पार करने के बाद मुझे सामने की तरफ एक ऊपर जाने का रास्ता मिला, और इस रास्ते पर कदमों के निशान भी हैं, तो हो सकता है कि शायद ये रास्ता सही हो। और अब मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए अपना ट्रैवल कंटिन्यू रखूंगा। अगर मुझे आगे जाने का रास्ता मिला तो मैं आगे जाऊंगा, अगर नहीं मिला तो मैं इस ट्रैक को यहीं पर ख़त्म कर दूंगा और वापस चला जाऊंगा। ये है लिली। इसकी इंटरेस्टिंग बात यही है, इसकी जड़ को हम लोग खा सकते हैं। ये देखिए, इसकी जो जड़ है इसको मैं अपने पास रखूंगा, और ये जो जड़ है अगर मुझे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है तो ये मेरे खाने के काम आएगी। कल मैं जिस नदी के साथ साथ जा रहा था, आज मैं उससे बहुत ऊपर एक रास्ता मुझे मिला, यहीं से जा रहा हूँ, क्योंकि पीछे सिग्नल आया था जब मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ाऊँ, तो मैंने अपने फ्रेंड को लाइव लोकेशन भेजी थी, उसने अच्छे से चेक किया है और मुझे बताया कि ये रास्ता बिल्कुल सही है। इस गुफा के ऊपर वाले पत्थर पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, इसका मतलब इंसान यहाँ से ज़रूर गुजरते हैं, मगर इसमें से भालू की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने में अपनी बेहतरी समझी। काफ़ी आगे पहुँचते ही मुझे एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा व्यू नज़र आया, मैंने सोचा मैं आपको ये व्यू ज़रूर दिखाऊँ। ये जो जड़ मैंने तोड़ी थी ना, अभी इसमें से मैं कुछ खाने वाला हूँ, सिर्फ एक बाल तोड़ा है मैंने, इसको मैं अच्छे से धो लूँगा, देख सकते हैं आप, धो रहा हूँ। और इसको धोने के बाद मैं चबाने वाला हूँ। इसको चबाकर खाने से प्यास बहुत कम लगती है, अभी मुझे प्यास कम लगेगी तो ये मेरे लिए अच्छा है। कुछ ही मिनट में ये रास्ता ख़त्म होने वाला है, फिर मुझे मिलेगा लजीज खाना। इस ट्रैक पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिना किसी गाइड के इस रास्ते पे मत जाएं, क्योंकि जो मेरा ट्रैक था इसके लास्ट जो 7-8 किलोमीटर थे उनमें
रास्ता भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है और रास्ते बहुत सारे जाते हैं, तो आप रास्ता बहुत आसानी से भटक सकते हैं। नदी से होते हुए आ रहा था मैं, नदी सूख गई थी और फिर आगे इन चट्टानों से होते हुए ऊपर आ गया हूँ और अब मुझे रोड मिल चुकी है मेरी मंजिल तक पहुँचने के लिए। अब प्रेशर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। ये ट्रैक उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो कि बिगिनर्स हैं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए है या फिर जिन्होंने थोड़ी बहुत ट्रैकिंग की हुई है। और वो इस ट्रैक पर मैं किसी लोकल गाइड के साथ आने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि अदरवाइज आप जंगल में रास्ता भटक सकते हैं। इस रोड को सिर्फ 2 किलोमीटर फॉलो करने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा प्रेशर लेक, सिर्फ 2 किलोमीटर। प्रेशर के बाहर पहुंचते ही आपको ऐसे टेंट लगे हुए नजर आ जाएंगे, या फिर आप अपना टेंट भी लगा सकते हैं अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, आपको कोई अपना टेंट लगाने से रोकेगा नहीं। मैंने भी यहाँ पर अपना टेंट लगाया है जो मैं अपने साथ लेकर आया था। प्राशर के आसपास बहुत ही बड़े बड़े घास के मैदान आपको नजर आ जाएंगे जब आप प्राशर पहुंचेंगे। और जो प्राशर है, प्राशर लेक आप देख रहे हैं, प्राशर लेक के बीच में एक खेत है। कहा जाता है कि ये जो खेत है ये मूव करता है, ये पूरा इस पानी में मूव करता है। इस खेत की खासियत ये बताई जाती है। अभी मैं आपको नीचे मंदिर की तरफ भी लेके जाऊंगा, तो चलिए चलते हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। यहाँ पर आने के बाद मेरा मन सच्ची में बहुत ज़्यादा खुश हो गया। पैंडेमिक के चलते तो मंदिर अभी बंद है, मगर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमने लेक के दर्शन कर लिए, क्योंकि लेक भी बहुत सुंदर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरीके से आप सभी को मिलते रहें।